हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो लास्ट वाली वीडियो पे मैंने कहा था कि अगर आप लोग उस वाली वीडियो पे 30,000 लाइक्स कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक 3M चैलेंज करूंगा जिसके मैं सारे के सारे रूल्स तोड़ूंगा। तो मैं आज वही 3M चैलेंज करने वाला हूँ। मैं तोड़ने वाला हूँ वीजी बोर्ड के सारे रूल्स। वीजी बोर्ड का सबसे बड़ा रूल ये है कि कभी भी आप इस वाले चैलेंज को अकेले नहीं कर सकते। अगर आप अकेले करोगे तो बहुत ज्यादा कुछ बुरा ही होने के चांसेस हैं। बट मैं आज सबसे जो नंबर वन रूल है वो भी तोड़ने वाला हूँ, और भी खेलते खेलते मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने रूल्स हो सकता है उतने रूल्स तोड़ सकूं, और देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने आज तक वीजी बोर्ड कभी भी अकेले नहीं खेला, और इसी रीजन से नहीं खेला क्योंकि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप वीजी बोर्ड को अकेले खेलो। मैंने एक बार वीजी बोर्ड, मेरे को याद है, मैंने खेला था, वो भी मैंने फोन में अकेले खेला था। मैंने कभी भी फिजिकल वीजी बोर्ड अकेले नहीं खेला, बट आज मैं एक्चुअल में इसको खेलने वाला हूँ अकेले। और मुझे पता है भाई आप लोग भी घर पे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। और मेरे को आप लोगों से दूसरी वीडियो के बारे में बात करनी थी, बट वो मैं बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो इस वाली वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। आज है इम्तिहान की घड़ी वीजी बोर्ड की। सो चीज़ें हमें वीजी बोर्ड खेलने के लिए चाहिए, वो खुद वीजी बोर्ड है, व्हाट एन आयरनी, लाइटर इसको जलाने के लिए, और इसमें भी बहुत सारी कैंडल्स हैं। तो हमें जो चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, और अंकुर भाई तो हैं ही, सबके पास अवेलेबल, आप लोगों के पास अवेलेबल, अंकुर फैम के अलावा किसी के पास अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ अंकुर फैम के पास अवेलेबल हूँ। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, मे बी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं खेलने वाला हूँ वीजी बोर्ड अकेले। खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा, ये रहा। और लाइक सो गाइस, तो मेरे को वीजी बोर्ड करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। जब मैंने लास्ट वाली वीडियो करी थी ना टोमिनोज हेल्प एम, उसमें ऐसा था कि जो जो इस पोएम को पढ़ेगा उसका बहुत कुछ बुरा हो सकता है। मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, बट आई गेस ये परसों या तरसों की बात है। मैंने अपने घर से नीचे उतरा और मेरी सीढ़ियों के पास रोड पर ही ना एक पिजन डेड पड़ी हुई थी। तो मैंने एक पिजन को डेड देखा, आई डोंट नो इफ दैट वाज अ बैड साइन और नॉट, मुझे नहीं पता। सो अब मैं ये कर रहा हूँ, मेरे जितना कोई स्टूपिड बंदा आप लोगों ने देखा नहीं होगा। और प्लीज़ गाइस, आप लोग घर पे मत ट्राई करो, ऑनेस्टली गाइस आई एम रियली नर्वस बिकॉज ऑफ दिस, बट स्टार्ट करते हैं भाई, लेट्स डू इट। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया भाई, कैंडल मेरी जल रही है एक, मेरे को ये दोनों कैंडल जलानी है, लाइटर है मेरे पास, और वीजी बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। साइड में मैंने अपनी लाइट रखी है कि वहाँ से लाइट आती रहे। एंड या मलून एट माई हाउस, सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा है अंकुर भाई, और सेल्फ क्वारंटाइन के बीच में वीजी बोर्ड खेल रहा हूँ, वो भी अकेले, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। तो मैं दोनों कैंडल जलाता हूँ जो बाकी की बची हुई है, और स्टार्ट करते हैं भाई। भाई मेरे को नहीं पता, मैं जब जब कोई भी 3M चैलेंज करने लगता हूँ, और जैसे ही मैंने अभी वीजी बोर्ड का बोला है, नीचे आपको भी बजा रही होगी भाई, डॉग्स बाग कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस एवरी सिंगल टाइम व्हेन एवर आई एम गोइंग टू प्ले अ 3M चैलेंज और एनीथिंग, नीचे से कुत्तों की आवाज़ आने लगती है। कोइंसिडेंस हो सकता है, बट इतनी बार कैसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, मेरे को नीचे कॉमेंट में बताना। तो भाई अभी जो मेरी दोनों कैंडल्स बची हैं उसको जलाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ वीजी बोर्ड, देखते हैं क्या होता है भाई, लेट्स गो। मैं इस कैंडल को यहाँ पर कहीं पर देता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों का उसका व्यू ब्लॉक ना हो वीजी बोर्ड का। तो अब ट्राई करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्पिरिट से सवाल करने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट हो तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो पूछते हैं भाई, वीजी बोर्ड में ना मेरे को अपना प्लानचेट पे हाथ रखना होता है, पूरे टाइम रखे रहना होता है। अगर मैंने इससे एक बार भी अपना हाथ हटा लिया तो मतलब वो भी एक रूल तोड़ना होता है, मैं कभी भी आई एम नॉट सपोज टू यू नो रिमूव माई हैंड फ्रॉम दिस प्लानचेट। बट आज मैं क्योंकि सारे रूल्स तोड़ रहा हूँ तो मैं करते करते हाथ भी हटाऊंगा ही अपना, जो कि मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा, बट आई एम गोना बी डूइंग इट क्योंकि मेरे को सारे रूल्स तोड़ने हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा हुआ है। तो करते हैं भाई, ऑलराइट। अगर मेरे आसपास अभी कोई भी भूत आत्मा कुछ भी है और अगर उसको मेरे से बात करनी है तो मेरा जो ये प्लानचेट है जिसको मैं घुमा रहा हूँ वीजी बोर्ड के ऊपर, उसको आप ईएस पे ले जाओ और मुझे बताओ कि आप यहाँ पर हो। अगर मेरे आसपास अभी कोई भी स्पिरिट है, कोई भी भूत कुछ भी है अगर मेरे आसपास, अगर उसको मेरे से बात करनी है
तो मेरे इस प्लान शर्ट को यस पे ले जाओ और मुझे बताओ कि आप यहाँ पर हो। आई डोंट नो गाइस, कुछ नहीं हो रहा अभी तक, तो कुछ भी नहीं हुआ, बट मैं ट्राई करता रहूँगा, मैं नहीं रुकने वाला, आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग। सो पूछता रहता हूँ, अगर मेरे आसपास अभी कोई भी स्पिरिट है तो मुझे बताओ आप यहाँ पर हो, मेरे प्लान शर्ट को यस पे ले जाओ और मुझे बताओ कि आप यहाँ पर हो। अगर आप ये प्लान शर्ट को यस पे ले गए तो मैं समझूंगा कि आप यहाँ पर हो। आई डोंट नो गाइस, ये प्लान शर्ट यस पे तो नहीं जा रहा, बट मेरे को पता नहीं, जैसे लग रहा है कि उस पर कोई फोर्स कर रही है कुछ, आई डोंट नो। मैं सोच भी हो सकता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, बट आई डोंट नो। ये हिल रहा है क्या? मुझे नहीं पता ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, बट आई डोंट नो, मैं पूछता रहूंगा इससे भाई। मुझे पता नहीं, जैसे अभी बीच में लगा था कि इस पे फोर्स अभी भी लग रहा है, जिसमें फोर्स लग रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है भाई। और मैंने इससे अपना हाथ भी हटा दिया क्योंकि मुझे इसके रूल्स तोड़ने हैं, तो मैंने इससे हाथ भी हटा दिया। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, आपने देखा ही होगा भाई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने कितनी बार बोल दिया कि अगर यहाँ पे कोई स्पिरिट है अपना साइन दिखाओ, मुझे बताओ कि आप यहाँ पर हो, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी साइन नहीं आया है। मुझे एक बार लगा था कि इस पर फोर्स लग रहा है, बट वो हो सकता है मैं सोच भी रहा हूँ, मेरा दिमाग बस ऐसी मतलब हो रहा होगा फ्लिप, कि मुझे लग रहा होगा कि यहाँ पे स्पिरिट है, बट अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा है गाइस, बट मैं ट्राई करता रहूँगा। अगर मेरे आसपास अभी कोई भी स्पिरिट है, कोई भी आत्मा है अगर मेरे आसपास अभी, और उसको मेरे से बात करनी है, तो मेरे प्लान शर्ट को यस पर ले जाओ। पता नहीं गाइस, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक तो। मुझे लग रहा है इसमें फोर्स लग रही है, आई डोंट नो, मेरा हाथ मैंने बस इस पर रखा हुआ है, क्या हो रहा है? आई डोंट नो गाइस, आपको कैमरे में दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मेरा कैमरा काफी दूर पड़ा हुआ है, बट इस पर फोर्स लग रही है भाई अभी, और मैं अभी इसे हाथ रखा नहीं चाहता क्योंकि अभी मैंने हाथ उस पर दोबारा रखा तो ये हिलना शुरू हुआ है, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। मैंने इस पर अपने बेयरली हैंड्स रखे हुए हैं और ये मूव कर रहा है भाई अपने आप, आप ये देख सकते हो भाई। मैं दोबारा इससे हाथ अपने हटा दिए, बट ये जी पे आके रुका है गाइस, ये बिल्कुल बीच में रुका हुआ है और यहाँ पर जी लेटर है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा, बट ये जी पे रुका हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ ऐसे तो, बट ये हिल ना जाए, ये देखो। मैंने अभी बोला था कि अगर यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ, मेरे प्लान शर्ट को यस पे ले जाओ, और ये जी पर आके रुक गया। मुझे नहीं पता भाई जी का क्या मतलब है, क्या इम्प्लाई करना चाहिए मेरे को। और एक और चीज अजीब है, आप ये वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल देखो भाई, ये वाला कैंडल अभी भी उतनी ही इसकी लेंथ है, मतलब बहुत ही कम लेंथ इसकी गई है, बट इस वाले कैंडल की लेंथ देखो कितनी कम हो चुकी है, और यहाँ पर इसकी जो वैक्स है वो पिघल रही है गरम गरम अभी, तो पता नहीं है क्या स्ट्रेंज चीजें हो रही है। हो सकता है मैं स्ट्रेंज चीजें नोटिस भी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैरानॉइड हो रहा हूँ, बिकॉज आई एम प्लेइंग दिस अलोन, बट ये चीज आप लोगों के सामने हो रही है। हो सकता है मैंने किसी स्पिरिट से कनेक्ट कर लिया, मुझे श्योर तो नहीं हूं मैं कि मैंने किसी स्पिरिट से कनेक्ट करा कि नहीं करा, मैं काम करता हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं करना चाहिए बट मैं करूंगा। मैं प्लान शर्ट हटाने वाला हूँ और इस वीजी बोर्ड को मैं पलट के रखने वाला हूँ, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था बट मैंने कर दिया भाई, मैंने अपना वीजी बोर्ड भी उल्टा रख दिया। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस एट ऑल, अगर आपको पहले गुड बाय कहना होता है स्पिरिट को, फिर अपना आप वीजी बोर्ड या प्लान शर्ट जो जिसको भी उल्टा रखना है वो रख दो, बट मैंने अभी बहुत ही एक तरह से दिखाया स्पिरिट को कि मैं काफ़ी रूड हो रहा हूँ, तो मैंने सीधा वीजी बोर्ड को अपने उल्टा करके रख दिया, प्लान शर्ट को भी उल्टा करके रख दिया। अगर मेरे आसपास अभी कोई भी स्पिरिट है तो मेरे को अपना साइन दो, मेरे को बताओ कि आप यहाँ पर हो,
कुछ करो, मेरा प्लान चैट जो है येस पर ले जाओ दोबारा, क्योंकि प्लान चैट मेरा येस पर नहीं गया था अभी तक, जी पर गया था। एंड आई डोंट नो यार, मेरे को कोई भी साइन दो और बताओ कि आप यहाँ पर हो। अगर मेरे आसपास अभी कोई भी स्पिरिट है तो मेरे को साइन दो। अगर आपने इस बार साइन नहीं दिया तो मैं वीजी बोर्ड अब बंद कर दूंगा खेलना, क्योंकि मेरे को आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। शो मी समथिंग, मेरे को कोई भी साइन दो, देखते हैं भाई क्या होता है। क्या हुआ है भाई? मेरा अगला कैंडल कैसे बुझ सकता है? और ये भी गिरा हुआ है क्या? इसका पिघल के गिरा होगा वो तो, बट दोनों कैंडल्स ठीक है, ये वाला कैंडल बुझ कैसे गया जब मैंने बोला कि कोई भी साइन दिखाओ तो? आई डोंट नो भाई अभी क्या हुआ है, बट दिस इज वेरी हेल्प सो गाइस, तो मुझे नहीं पता भाई अभी क्या हुआ है। मेरे को नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी और मैंने अभी खेलना बंद कर दिया है। मैंने अपनी कैंडल्स बुझा दी है इसकी, वीजी बोर्ड के पास जो रखी हुई थी, मैंने वीजी बोर्ड पे भी गुड बाय कर दिया है और मैंने वीजी बोर्ड को पैक कर दिया है। मुझे नहीं पता जो भी हुआ है वो एक्चुअल में वीजी बोर्ड से रिलेटेड है कि नहीं है, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड साइन। मेरे को आई डोंट थिंक कंटिन्यू करना चाहिए आगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए वेट करना। नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है। मैं अभी आजकल सबको देख रहा हूँ कि सब अपना अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को ही पॉडकास्ट करना चाहिए। कोई एक टॉपिक उठाऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी गाइस। मेरी हालत अभी खराब हो चुकी है, मेरी फट चुकी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को अभी जाके लाइक कर दो। ये जो भी चीज़ें करता हूँ मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ, तो जाओ अभी जाके इस वाली वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स एम फॉर 30,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो गाइस। अगर इस वाली वीडियो पर 30,000 लाइक्स आते हैं दोबारा से, तो मैं दोबारा कोई और घर बैठे बैठे 3M चैलेंज करूंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे 3M चैलेंजेस जो मैंने एक साल पहले करे थे, तो हो सकता है कि मैं उन 3M चैलेंज को दोबारा रिपीट कर दूं। मुझे नहीं पता भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो। एंड आई एम गोइंग नाउ, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत निकलो। घर के बाहर निकलोगे रोड पे तो डंडे पड़ेंगे, आप सबको पता ही होगा, तो डोंट गो आउट, घर पे रहो। और मैं अगली वीडियो पे ख़त्म करने वाला हूँ भाई। टेक केयर, अपना ख्याल रखो, खुद भी अपना ख्याल रख रहे हैं। बाय, गुड नाइट, बाय।